हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए। भाई दोस्तों, हम जा रहे हैं पहले मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ पे जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे और फिर जाएंगे दिल्ली। तो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी में। तो आइए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद सब घूमने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम निकल गए हैं घर से ऑटो में और ऑटो से जा रहे हैं हम पहले जहाँ से हमें मेट्रो मिलेगी। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम जा रहे हैं पहले मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे और फिर जाएंगे दिल्ली। तो आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जाते हैं मेट्रो स्टेशन में जहाँ टिकट लेंगे और फिर जाएंगे हम मेट्रो में दिल्ली। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ऊपर और यहाँ से हम जाएंगे लिफ्ट में। आइए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जैसे ही हम मेट्रो में टिकट लेने के लिए आए, वैसे ही देखते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और हमें भी अब लाइन लगा के टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हमने टिकट ले लिया था बड़ी मुश्किल से, बड़ी लंबी लाइन लगाने के बाद, और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो का। तो हमारी मेट्रो जो है आती हुई दिखाई दे रही है। अब हमारी मेट्रो हमारे नज़दीक आ रही। देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा स्पीड होती है मेट्रो की। तो देखिए दोस्तों, हमारी मेट्रो आ चुकी है, अब हम जाएंगे मेट्रो में। अब हम लेते हैं यहाँ एंट्री। बहुत भीड़ हो रही है मेट्रो के अंदर। ओ भाई साहब, फुल एकदम फुल है। चलो चलते हैं, अब हम पहुंच गए मेट्रो के अंदर। चलो अब देखिए दोस्तों, मेट्रो के अंदर से नज़ारा बाहर का कैसा दिखता है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है नज़ारा। देखिए हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मंदिर मस्जिद दिखाई दे रहे हैं नीचे। और मेट्रो का जो है पुल इतना ऊपर होता है कि इसके नीचे ही हमें फ्लाईओवर देखने को मिलता है, जो ऊपर ही ऊपर गाड़ी चलते हैं हाईवे। ये काफ़ी ऊँची जगह पर बनाया जाता है। और मेट्रो का ये फ़ायदा है कि इसमें जाम वगैरह नहीं लगता है, और मेट्रो हमें बहुत ही फास्ट एक जगह से दूसरे जगह पर, हमें डेस्टिनेशन पॉइंट पर हमें पहुंचा देती है बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, आपको मेट्रो की कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेट्रो जो है उसमें कोई भी कूड़ादान आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कहीं दुकान वगैरह स्टॉल वगैरह पर आपको कोई कूड़ादान मिल सके, तो नहीं तो देखिए दोस्तों, यहाँ कोई भी कूड़ादान आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ इतनी सफाई है कूड़ादान ना होने के बावजूद भी। और दूसरा देखिए दोस्तों, मेट्रो का ये है कि इसमें जैसे अलग अलग डिब्बे दिखाई देते हैं, पर वो रेलगाड़ी की तरह अलग नहीं किए जाते हैं, पूरी मेट्रो एक साथ ही चलती है। तो साथ ही आपको बता दें मित्रों कि कोलकाता में सबसे पहले भारत देश में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और जैसे कि हम अभी दिल्ली घूमने जा रहे हैं, तो दिल्ली के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली मेट्रो जो है सबसे पहले 25 दिसंबर 2002 को सबसे पहले सहारा से 30,000 के बीच मेट्रो की शुरुआत हुई थी। फिलहाल दिल्ली का मेट्रो का नेटवर्क जो है 253 स्टेशनों के बीच 389 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 253 स्टेशन हैं दिल्ली में। तो ये नेटवर्क दिल्ली, यूपी के नोएडा और गाज़ियाबाद, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में फैला हुआ है। दिल्ली मेट्रो से हर दिन 50,00,000 से अधिक लोग सफ़र करते हैं। सोचिए दोस्तों, मेट्रो का नेटवर्क कितना है, 50,00,000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं मेट्रो में। और 29 जुलाई 2019 को कुल 59,05,431 यात्रियों ने सफ़र किया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, मेट्रो की कई बहुत सारी स्कीमें हैं ऐसी जो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक हैं। और मेट्रो की ऐसी स्कीम भी है, मतलब हमें मेट्रो का कार्ड बनाना होता है, और कार्ड में जो है हम कैशलेस जो है टिकट ले सकते हैं। और मेट्रो कार्ड का यही फ़ायदा है, अगर हमारे कार्ड में रुपये नहीं भी हैं तो भी हम टिकट ले सकते हैं, उसमें हमारे रुपये जो होते हैं वो माइनस में चले आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो दोस्तों, अब हम उतर गए हैं सरदा विहार के मेट्रो स्टेशन पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों,
यहाँ से पुल हम क्रॉस करते हैं। देखिए नीचे गाड़ी चल रही है, हमें जो है या तो अंडरग्राउंड पुल से ही पार करना होता है या फिर जो फ्लाई वाला पुल होता है उससे पार करना होता है। हम इन रोड्स को ऐसे पार नहीं कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऑटो में फिर से। तो दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, बिल्कुल कांच से बनी हुई है, बाहर से विंडो देखिए कांच के हैं और कितना सुंदर जो है ये बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। अब हम जा रहे हैं आगे, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वगैरह खुले होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो अब हमारा ऑटो का सफ़र भी पूरा होने जा रहा है, अब हम यहाँ से ऑटो से उतर जाएंगे और हमें ऑटो वाले भैया ने जो है यहाँ पर उतार दिया है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम जो है आगे कैब बुक करेंगे। अब हमने जो है कैब में भी घूमेंगे, तो कैब में जा रहे हैं दोस्तों और अब चले गए हम एक पार्क में घूमने के लिए। देखिए दोस्तों मैं अब झूला झूल रहा हूँ, आइए झूला झूलते हैं। तो दोस्तों मैं तो झूला झूल रहा हूँ और बगल में एक झूला खाली है, आइए साथ में झूला झूलते हैं। तो दोस्तों अब हम जब दिल्ली घूमने आए हैं तो क्यों ना डीटीसी बसों का भी आनंद उठा लें। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं डीटीसी की बस में, हमारी बस आने वाली है तो चलेंगे अब हम बस में घूमेंगे। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं नीचे बस में बैठ करके ऊपर, देखिए मेट्रो की स्पीड क्या है। देखिए दूसरे वाले पुल पे देखिएगा कि मेट्रो किस स्पीड से आती है। देखिए दोस्तों दूसरे वाले इस पुल पे गौर कीजिएगा, ये देखिए अब हमारी मेट्रो आ गई है, ये देखिए क्या स्पीड है इसकी, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रही है, बताइए। तो दोस्तों अब बहुत घूम लिया है तो आइए चलते हैं घर को वापस। तो अब हम फिर से मेट्रो में आ गए हैं और अब हम फिर से मेट्रो के ज़रिए जाएंगे वापस। तो दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले नीचे बस से दिखाया था कि ऊपर मेट्रो की स्पीड क्या है,
अब हम ऊपर मेट्रो से दिखा रहे हैं कि आपको नीचे देखिए सड़क पे गाड़ी दौड़ रही हैं। अब देखिए मेट्रो की स्पीड क्या है, ये हाईवे पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। देखिए अब देखिए देखिए कितनी तेज स्पीड से चलती है मेट्रो। इस समय मेट्रो पूरी खाली खाली है, अब हम तो इसमें आराम से सो भी सकते हैं। ये देखिए पूरी खाली है इस समय मेट्रो। मेट्रो में सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह और शाम के वक्त ही होती है, दिन में जो है इससे इसके अंदर कोई भीड़ नहीं होती है क्योंकि दिन में यहाँ अधिक लोग नहीं आते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम उतर जाते हैं मेट्रो से और चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो दोस्तों ये देखिए ये बाइक की भीड़ है, ये बाइक पार्किंग में खड़ी कर रखी हैं। ये उन लोगों की बाइक हैं जो जॉब पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो यहाँ मेट्रो के ज़रिए से आते हैं और यहाँ पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सड़क पर चलने में इस बात का ध्यान रखें कि सड़क पर ना चलें, सड़क के किनारे जो फुटपाथ होते हैं उसी पर चलें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हम यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, ये मार्केट है तो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ सामान सब्जी वगैरह घर को ले जाते हैं। तो ये दोस्तों शॉपिंग कर लें।